Hey guys, hello, namaste. My name is Ishani Gupta and welcome back to my channel. फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल से आपको पता ही है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा फेस्टिव ग्लो अप. एज वी ऑल नो, फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर. राखी आ रही है, गणपति आ रहा है, जन्माष्टमी आ रही है, एंड व्हाट नॉट. अभी बहुत से फेस्टिवल्स लाइंड अप हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना फेस्टिव ग्लो अप किया जाए, एंड अगर मैं ये कर ही रही हूँ तो क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए. सो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ मेरा फेस्टिव ग्लो अप शेयर करने वाली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. The world seems small. So, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हेयर केयर के साथ. एज यूजुअल हेयर केयर के लिए यहाँ पे मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो है वॉर्म कोकोनट ऑयल और दो ग्रीन टी बैग्स. हमें वॉर्म कोकोनट ऑयल पे दोनों ग्रीन टी बैग्स को अच्छे से डिप करके ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देना है, अराउंड 30 मिनट्स to 1 आवर के लिए, जिससे कि हमारा ग्रीन टी अच्छे से इंड्यूस हो जाए हमारे कोकोनट ऑयल में. सेम ग्रीन टी बैग के हेल्प से हम अपने रूट्स पे अच्छे से ऑयल को अप्लाई करेंगे एंड थोड़ी देर के लिए अच्छे से जेंटली मसाज करेंगे. और फिर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये ऑयल हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रूट्स पे ही लगाना है, अपने हेयर लेंथ पे नहीं लगाना है. ये हेयर ऑयल बहुत ही अमेजिंग है डैंड्रफ ट्रीटमेंट के लिए. वेदर चेंज की वजह से हमारा स्कैल्प और हमारा हेयर बहुत ड्राई हो जाता है, तो ये ऑयल मसाज जो है हमारे बालों में से ड्राइनेस को और डैंड्रफ को रिमूव करने में हेल्प करता है. सो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हेयर ऑयल हमें अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि अब हम अप्लाई करेंगे हेयर कंडीशनर अपने हेयर लेंथ पे. फिर हम अपने हेयर पे ऑयल और कंडीशनर को छोड़ देंगे फॉर अराउंड 1 आवर और लास्ट में देंगे स्टीम, जिसकी मैं क्लिप लेना भूल गई थी. रियली सॉरी गाइस, बट आफ्टर हेयर ऑयल एंड कंडीशनर एप्लीकेशन स्टीम वर्क्स अमेजिंगली ऑन योर हेयर. बालों को सुपर सॉफ्ट बनाते हुए वो डैंड्रफ भी हमारे बालों से पूरे अच्छे से रिमूव कर देता है. सो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा. सो फेस एंड बॉडी केयर के लिए मैंने यहाँ पे DIY स्क्रब बनाया है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बेसन, मसूर दाल पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, हल्दी, कोकोनट ऑयल एंड रॉ मिल्क. इन सबको अच्छे से मिक्स करके अपने फेस एंड बॉडी पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड जेंटली स्क्रब करना है बहुत ही हल्के हल्के हाथों से, और इसे छोड़ देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए लगा के. फिर हम वॉश कर लेंगे नॉर्मल वाटर से. एज यू ऑल कैन सी, माय स्किन इज ऑलरेडी ग्लोइंग और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है. गाइस, जब हम स्किन केयर की बात कर ही रहे हैं, तो मैं एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ, जो कि है ये साफे ब्रांड का फेस एक्ने क्लियरिंग ग्लो पैच, विच वर्क्स एज स्पॉट ट्रीटमेंट फॉर एक्टिव एक्ने एंड कंटेन्स 100% हाइड्रोकोलॉइड. This product retails for ₹279 and contains 36 pieces of pimple patch. इस पे दो साइज के पैच अवेलेबल हैं, आप अपने एक्ने साइज के हिसाब से चूज कर सकते हैं. और इसे यूज करना भी बहुत आसान है, हमें सिर्फ अपने फेस को क्लीन करना है किसी भी क्लींजर से या फेस वॉश से, और इसे अपने एक्टिव एक्ने पे अच्छे से प्लेस कर देना है. हम इसे चाहे तो रात को लगा के छोड़ सकते हैं, या हम अगर आपको मॉर्निंग में लगाना है आपको, आप इसके ऊपर बहुत ही इजिली मेकअप भी कर सकते हो. ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है. सो मैंने इसे रात भर अप्लाई करके छोड़ दिया था, एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे रिमूव कर रही हूँ. मेरा जो भी एक्टिव एक्ने था वो बहुत ही ज्यादा बैठ गया है, लाइक विजिबल भी नहीं है, थोड़ा सा मार्क रह गया है, बट जो एक्टिव एक्ने था वो बिल्कुल भी डल हो गया है. एंड मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट. मैं इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चेकआउट करना मत भूलना. Now we'll move on to body hair removal. ये भी हमारी बॉडी केयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आई नो बहुत लोग इसे सेफ वे नहीं मानते हैं हेयर रिमूव करने के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स लिटरली बीन 3 to 4 years आई हैव बीन यूजिंग दिस. आई हैव बीन शेविंग माई बॉडी, और ये बिल्कुल सेफ एंड ईजी तरीका है हेयर रिमूव करने का. यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ शावर जेल अच्छे से, जिससे कि हमारा रेजर ईजिली मूव हो और हमारा अच्छे से हेयर रिमूव हो पाए. हमें हमेशा हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में ही हेयर रिमूव करना होता है. मुझे पर्सनली हेयर रिमूव करने के लिए रेजर बहुत ही इजी एंड कन्वीनियंट एंड फास्ट प्रोसेस लगता है. मैंने इसी तरह से अपने हैंड्स एंड लेग्स के हेयर अच्छे से रिमूव कर लिए थे.
सो गाइज, जैसा कि आपने देखा, हेयर केयर एंड स्किन केयर अपना चल ही रहा है, एंड उसके साथ साथ अभी जब मैंने मेरे नोज़ को चेक किया, मेरे बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स मेरे फेस पे, नोज़ पे मेरे विजिबल हो रहे थे, तो उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जो कि है सांफे ब्रांड का डीप प्योरीफाइंग नोज स्ट्रिप्स। ये प्रोडक्ट रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है नायका पे, एंड इसे मैंने इसे मंगवाया है एंड मैंने इसे यूज़ करना शुरू किया है। मैंने इसे ऑलरेडी एक बार यूज़ किया हुआ है, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड दिस वन रिटेल्स फॉर ₹199, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नायका पे एंड अमेजोन पे डिस्काउंट वगैरह अवेलेबल रहता है। ये 6 स्ट्रिप्स इसमें अवेलेबल है, दिस विल हेल्प टू रिमूव ब्लैक हेड। मैंने इसे एक बार ही यूज़ किया है, आज मैं सेकेंड टाइम आप सबके सामने यूज़ करने वाली हूँ, एंड यू विल सी इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप चेकआउट करना मत भूलना। सो दिस प्रोडक्ट कंटेन्स 6 स्ट्रिप्स, नो स्ट्रिप्स है इसके अंदर। तो गाइस, इसे यूज करना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, हमें बस अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है पानी से, एंड देन अपने नोज को पानी से गीला करना है, एंड ये नोज स्ट्रिप को अच्छे से ओपन करके हमें अपने नोज पे अच्छे से प्लेस कर लेना है, और हम इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए, एंड देन 15 मिनट के बाद हमें इसे रिमूव करना है। जब आप इसे रिमूव करोगे, आप देखोगे आपके ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बहुत ही अच्छे से एंड इजीली रिमूव हो जाएंगे। सो नाउ सो हियर इज द लास्ट स्टेप फॉर माई ग्लो अप, विच इज पेडिक्योर। यहाँ पे मैंने बहुत ही फास्ट एंड ईजी वे में पेडिक्योर किया है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल सिंपल स्क्रब लेके अपने फुट को स्क्रब कर लिया है, एंड देन फुट स्क्रब लेके अच्छे से पूरे अपने फुट को क्लीन कर लिया है, एंड देन प्यूमिक स्टोन की मदद से उसे और अच्छे से क्लीन कर लिया है। एंड दिस इज माई वेरी सिंपल एंड मोस्ट ईजी वे ऑफ डूइंग पेडिक्योर। एंड लास्ट में मैंने नेल पेंट भी लगाया था, जिसका क्लिप लेना मैं भूल गई हूँ, सो रियली सॉरी गाइज। सो एज यू ऑल कैन सी, मैंने शार ले लिया है, एंड दिस इज हाउ माई हेयर एंड माई स्किन लुक्स। मेरे बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे फील हो रहे हैं, एंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहा है मुझे ये फेस्टिव ग्लो अप करने के बाद। मेरी स्किन, मुझे लिटरली आई कैन हियर देम से थैंक यू टू मी। आप भी जरूर ट्राई करना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू इन माई नेक्स्ट वन, टेक केयर।